हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम जो फिजिकल फार्मास्यूटिक सेकेंड की फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो इससे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कोलोइडल डिस्पर्शन का, देन क्लासिफिकेशन देख चुके हैं डिस्पर्स सिस्टम का, देन कोलोइडल पार्टिकल की साइज एंड शेप, इसके अंदर किस तरीके से क्या क्या होता है वो चीज़ हम लोग देख चुके हैं, एंड लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की वीडियो के अंदर हम जो कोलोइड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, वो भी ऑप्टिकल, काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कोलोइड्स के हम लोग आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद कुछ टॉपिक्स और हमारे पास बच जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो एक फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके नोट्स जो हैं वो भी आपको जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल पर, नहीं तो वेबसाइट पर जो है वहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइड्स। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि जो कोलोइड्स है उनका साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर वेट जो है वो पता करने में मदद करती हैं। ठीक है, सो सिंपली ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कोलोइड्स की साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर वेट पता करने में मदद करती हैं। एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास चार आती हैं कोलोइड्स की। फर्स्ट आता है टिंडल इफेक्ट, सेकेंड आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, थर्ड आता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी एंड फोर्थ आता है टर्बिडिटी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टिंडल इफेक्ट जो है ये क्या होता है। तो टिंडल इफेक्ट सिंपली क्या होता है कि जब एक कोलोइडल सॉल्यूशन से एक बीम ऑफ लाइट को पास करा जाता है एंड उसे डार्क के अंदर मतलब अंधेरे के अंदर रखा जाता है, तो जो बीम ऑफ लाइट है उसका पाथ जो है वो इल्यूमिनेट हो जाता है ब्लू कलर से। इस फिनोमिना को जो है टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, एंड जो पाथ वहाँ पर हमें शो होता है उसे टिंडल कोन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले ये जो है यहाँ से बीम ऑफ लाइट निकल रही है, ठीक है, वो जब कोलोइडल डिस्पर्शन से पास होगी एंड साथ में एक डार्क बैकग्राउंड के ऊपर हम इसे ऑब्जर्व करेंगे, तो इसमें जो है बीम ऑफ लाइट है मतलब जो पाथ है लाइट का वो जो है हमें यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरीके से पाथ ऑफ लाइट जो है हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो सिंपली इसे ही टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। नाउ जो टिंडल इफेक्ट है वो होता किस वजह से है? क्या होता है कि कोलोइडल पार्टिकल्स के द्वारा लाइट जो है वो स्कैटर होती है, जिसकी वजह से उसका पाथ जो है वो इल्यूमिनेट हो जाता है, तो इस वजह से जो है टिंडल इफेक्ट होता है। अब जो होमोजेनस सॉल्यूशंस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स्ड फेज के उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से भी कम उसका साइज़ होता है, तो इस वजह से होमोजेनस सॉल्यूशंस जो हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, एंड हेटरोजेनस सॉल्यूशन जो है वो ही सिर्फ टिंडल शो करते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट टिंडल इफेक्ट के बारे में। सिंपली सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके बाद हम इस डायग्राम की मदद से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन उसके बाद में हम बता सकते हैं कि होमोजेनस सॉल्यूशंस जो हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, हेटरोजेनस सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। नाउ सेकेंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है वो आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से हमें कोलोइडल पार्टिकल्स की जो एक्चुअल पिक्चर है वो पता चलती है। नाउ जो मेन फंक्शन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वो ये होता है कि उसकी रिजॉल्विंग पावर जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सिंपली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही होती है। इसके अंदर क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उससे हम ऑब्जर्व करते हैं एंड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसे कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, हमें साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर जो है कोलोइडल पार्टिकल्स का वो पता चल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से होती है, एंड इससे जो एक्चुअल पिक्चर होती है कोलोइडल पार्टिकल्स की कि उनकी साइज़ क्या होगी, शेप क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आती है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी का सिंपली क्या मतलब होता है, जब कोलोइडल डिस्पर्जन से एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट को पास करा जाता है, एक डार्क बैकग्राउंड होता है राइट एंगल के ऊपर, ठीक है, तो पार्टिकल जो होते हैं वो ब्राइट स्पॉट के रूप में अपीयर होते हैं, जिन्हें हम देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो है ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी के लिए डायग्राम है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक इंटेंस लाइट बीम को जो है हम पास करते हैं कोलोइडल डिस्पर्जन से। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी यहाँ से हो रही है, कंडेंस लेंस यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर एक क्या होता है, जो प्लेन ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके राइट एंगल पर एक डार्क बैकग्राउंड होता है। ठीक है, अब जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स वो एक ब्राइट स्पॉट की तरह मतलब चमकते हुए स्पॉट की तरह जो है वो अपीयर होते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी के अंदर हम क्या करते हैं कि इंटेंस लाइट बीम को कोलोइडल डिस्पर्शन से पास करते हैं, उससे फाइनली हमें पार्टिकल्स जो है ब्राइट स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं।
नाउ नेक्स्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आती है टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी क्या होती है, इसकी मदद से जो शेप एंड साइज होते हैं पार्टिकल्स के उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अब टर्बिडिटी जो है इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी है स्कैटर्ड लाइट की, ठीक है। एंड जो टर्बिडिटी है इसे मॉलिक्यूलर वेट जो है उसे कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ करा जाता है। एंड जो टर्बिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलोइड्स के। अब जितने भी कोलोइडल डिस्पर्जन होते हैं उन सबके अंदर जो टर्बिडिटी है वो शो होती है। एंड टर्बिडिटी कितनी होगी ये मॉलिक्यूलर वेट जो है कोलोइड्स का उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड टर्बिडिटी जो है इसे मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारे काम आता है वो आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो इस तरीके से ये थी सारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। सो जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं ये क्या करती हैं कि जो मोशन है कोलोइडल पार्टिकल्स का, मतलब जो मूवमेंट है कोलोइडल पार्टिकल्स ये कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, उसे पता करने में मदद करती हैं। अब चार काइनेटिक प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट आता है ब्राउनियन मोशन, सेकंड आता है डिफ्यूजन, थर्ड आता है सेडिमेंटेशन एंड फोर्थ आता है विस्कोसिटी, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्राउनियन मोशन जो क्या होता है। सिंपली ब्राउनियन मोशन का क्या मतलब है, जिगजैग मोशन जो होता है पार्टिकल्स का, मतलब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इस तरीके से ऐसे ऐसे मोशन जो है पार्टिकल्स का वो कहलाता है जिगजैग मोशन या फिर ब्राउनियन मोशन। अब जो ये ब्राउनियन मोशन है या जो जिगजैग मोशन है ये होता कैसे है, क्या होता है कि कोलोइडल डिस्पर्जन के अंदर कंटिन्यूसली पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, साथ ही साथ जो कंटेनर की वॉल होती है उससे भी पार्टिकल्स टकराते रहते हैं, तो इस वजह से उनका जिगजैग मोशन जो है वो हो जाता है। इसी मोशन को जो है ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। अब जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली एक दूसरे से स्ट्राइक हो रहे हैं, साथ ही साथ जो वॉल है कंटेनर की वहाँ से भी वो स्ट्राइक हो रहे हैं, तो अगर जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी तो पार्टिकल का साइज जो है वो कम हो जाएगा। एंड अगर जो ब्राउनियन मोशन है वो ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो उससे स्टेबिलिटी जो होगी कोलोइडल सॉल्यूशन की वो भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट काइनेटिक प्रॉपर्टी आती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का सिंपली क्या मतलब होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब एक हायर कंसंट्रेशन के एरिया से एक लोअर कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ जो है पार्टिकल्स मूव करें, इस प्रोसेस को जो है डिफ्यूजन कहा जाता है। अब जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है फिक्स फर्स्ट लॉ जो है, मतलब फिक्स के द्वारा जो फर्स्ट लॉ दिया गया था उसके ऊपर बेस्ड है। एंड वो ये कहता है कि पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली डिफ्यूज करते रहते हैं जब तक कि इक्विलिब्रियम जो है वो रीच नहीं हो जाता। अब डिफ्यूजन जो है उसके लिए फिक्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन है जो कि डी क्यू इक्वल टू माइनस डी एस डी सी बाई डी एक्स डी टी, ठीक है। ये डिफ्यूजन के लिए एक इक्वेशन है। अब इसके अंदर क्या होता है कि डी क्यू है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि वहाँ पर डिफ्यूज हो रहा है, डी टी जो है ये टाइम है, देन इसके बाद में जो एस है इसका मतलब है कि प्लेन ऑफ एरिया, ठीक है। एंड चेंज इन कंसनट्रेशन है डी सी, डी एक्स जो है ये डिस्टेंस है, ठीक है। एंड जो ये माइनस डी है, ये जो डी है ये है डिफ्यूजन कोफिशिएंट। इस तरीके से ये है एक इक्वेशन जो कि फिक्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डिफ्यूजन प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो काइनेटिक प्रॉपर्टी वो आती है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन वर्ड से ही हम लोग को सिंपली समझ में आ रहा है कि सेडिमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि पार्टिकल्स जो है वो एक सोल्यूशन के अंदर नीचे बैठ रहे हैं, मतलब सेटलिंग डाउन जो है पार्टिकल्स का उसे सेडिमेंटेशन कहा जाता है। अब जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो ग्रेविटी की मदद से जो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं इस प्रोसेस को जो है सेडिमेंटेशन कहा जाता है। अब जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है मॉलिक्यूलर वेट जो है कोलोइडल पार्टिकल्स का उसके ऊपर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है वो होगा, ठीक है। अब जो सेडिमेंटेशन है वो डेंसिटी डिफरेंस जो है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब ब्राउनियन मोशन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि सेडिमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ब्राउनियन मोशन में क्या है जिगजैग मोशन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होने होंगे वो कम हो जाएंगे। एंड जब रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम होगी तो फिर क्या होगा कि स्टेबिलिटी जो होगी उस सॉल्यूशन की वो ज़्यादा होगी। नाउ जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होती है वो स्टोक्स लॉ के द्वारा डिफाइन होती है, जिसकी इक्वेशन है वी इक्वल टू टू आर स्क्वायर रो माइनस रो नॉट जी अपॉन में 9 नीटा। वी तो सिंपली क्या हो गई रेट हो गई या फिर वेलोसिटी हो गई, आर जो है ये हो गया रेडियस, देन रो जो है ये हो गई डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, देन रो नॉट जो है ये है डेंसिटी ऑफ मीडियम, जी है सिंपली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड नीटा नॉट जो है ये है विस्कोसिटी, ठीक है। इस तरीके से ये स्टोक्स लॉ के द्वारा सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो है वो डिफाइन होता है। नाउ नेक्स्ट जो काइनेटिक प्रॉपर्टी आती है वो आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी सिंपली क्या होता है कि कोई भी एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें जो रेजिस्टेंस आ रहा है फ्लूइड को फ्लो होने में उस चीज़ को जो है विस्कोसिटी कहा जाता है। तो इसकी सिंपली डेफिनेशन होती है द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ फ्लूइड अंडर एन अप्लाइड स्ट्रेस इज नोन एज विस्कोसिटी, मतलब स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो फ्लो नहीं हो पा रहा ज़्यादा स्पीड से, उस चीज़ को जो है विस्कोसिटी कहा जाता है। अब जो विस्कोसिटी है वो डिपेंड करती है शेप के ऊपर, साइज के ऊपर एंड मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। एंड
साथ ही साथ डिस्पोज्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरैक्शन जो है वो कितनी है उसके ऊपर भी विस्कोसिटी डिपेंड करती है। एंड विस्कोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के। नाउ विस्कोसिटी के लिए आइंस्टीन जो है उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जो कि है नीटा इक्वल्स टू नीटा नॉट 1 + 2.55। नीटा क्या है, ये सिंपली विस्कोसिटी है डिस्पर्स सिस्टम की। नीटा नॉट क्या है, ये है विस्कोसिटी डिस्पर्जन मीडियम की। एंड फाई जो है ये है वॉल्यूम फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आइंस्टीन ने जो है एक इक्वेशन दी थी विस्कोसिटी को डिफाइन करने के लिए। सो ये थी सारी काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। सो यहाँ पर ये लिखी हुई है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। अब जो प्रॉपर्टी होती है कोलोइड की वो ये होती है कि उसके ऊपर चार्जेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं सरफेस के ऊपर। अब जो ये चार्ज है ये आयनाइजेशन की वजह से भी आ सकता है या फिर एब्जॉर्प्शन की वजह से भी आ सकता है। अब जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं ये मदद करती हैं कि कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर कितना चार्ज है ये पता लगाने में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो कोलोइड्स की दो आ सकती है हमारे पास, एक आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एक आती है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जब एक कोलोइडल डिस्पर्जन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करा जाता है तो पार्टिकल्स जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है वो ओपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो तो एनोड की तरफ जाते हैं एंड जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो कैथोड की तरफ जाते हैं। इस प्रोसेस को जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम है, यहाँ पर क्या है कोलोइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसके अंदर प्लस माइनस दोनों तरह के चार्जेस प्रेजेंट है। यहाँ पर एनोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, यहाँ पर कैथोड है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। अब जब हम यहाँ पर कोलोइडल डिस्पर्जन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो तो कैथोड की तरफ मूव करेंगे क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, तो ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर आ जाएगा। एंड जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो एनोड की तरफ जाएंगे क्योंकि एनोड पॉजिटिव है तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो सिंपली इसी प्रोसेस को जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसमें क्या होता है, इसके लिए एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी कोलोइडल पार्टिकल है, ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर जो है वो तो इमूवेबल चार्जेस की बन जाएगी, मतलब वो चार्ज जो है मूव नहीं करेंगे, तो उसे हम स्टेटिक लेयर कहेंगे। देन उसके ऊपर एक और ऑपोजिटली चार्ज जो पार्टिकल्स की लेयर बन जाएगी एंड वो जो है वो डिफ्यूज लेयर होगी जिसमें मोबाइल आयंस जो है मतलब मूव करने वाले आयंस जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो एक तो स्टैटिक लेयर आ जाती है, एक डिफ्यूज लेयर आ जाती है, तो दो लेयर्स जो है वो यहाँ पर बन जाती है एंड दोनों लेयर्स के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर दो लेयर बन गई, इस वजह से इस प्रोसेस को जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहा जाता है। ठीक है, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों लेयर्स के बीच में, मतलब स्टैटिक लेयर एंड डिफ्यूज लेयर के बीच में, उसे जो है जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल जो है वो कहा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर डायग्राम देखें, ठीक है, ये एक कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो है पार्टिकल्स दिख रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज एंड पूरा कंप्लीट जो है ये डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी कोलोइडल पार्टिकल है उसके ऊपर एक तो इमूवेबल लेयर बन जाएगी, मतलब एक तो स्टैटिक लेयर बन जाएगी जो कि फर्स्ट लेयर है, देन उसके अराउंड एक ओपोजिटली चार्ज पार्टिकल की लेयर बन जाएगी जिसके अंदर मोबाइल आयंस होते हैं, मतलब ये लेयर जो है वो मूव कर सकती है, इस लेयर के आयंस जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये होती है डिफ्यूज लेयर। तो इस तरीके से दो लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया तो इसे जो है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहा जाता है। एंड इन दोनों लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहा जाता है। एंड दोनों की दोनों लेयर्स के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है वो इक्वल होता है। सो ये थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। ठीक है, यहाँ पर हमें जो भी टॉपिक्स आज डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।